रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर इन्वेंशन ऑफ ग्लास, ग्लास की इजाद का फोर्थ पोर्शन, आखिरी हिस्सा कर रहे हैं। मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले, पीपल हैड लर्न्ड हाउ टू ब्लो हॉट मेल्टेड ग्लास इनटू द शेप ऑफ बॉटल्स। लोगों ने सीखा कि किस तरह फूंक मार के जो पिघला हुआ ग्लास है उसे बोतल में तब्दील किया जा सकता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे तक, दीज ग्लास कंटेनर्स वर स्केयर्स एंड एक्सपेंसिव। ये ग्लास के बर्तन जो थे वो बहुत कम थे, कलील थे और बहुत महंगे थे। दे हैड टू बी ब्लोन वन एट अ टाइम। इनको फूंक मार के सांचे में बनाया जाता था एक वक्त में एक। टुडे देर आर मिलियंस ऑफ ग्लास बॉटल्स। आजकल हजारों की तादाद में ग्लास की बोतलें हैं, जार्स एंड वाटर ग्लास, जिसमें जार और ग्लास भी शामिल हैं। इन अ मॉडर्न फैक्ट्री, जदीद फैक्ट्री में, मशीन्स कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ देम इन अ मिनट। मशीनें इनको सैकड़ों के हिसाब से एक मिनट में बन जाती हैं ये ग्लास, आजकल के जदीद फैक्ट्रीज में। मिलियंस ऑफ बॉटल्स एंड जार्स आर थ्रोन अवे एवरी ईयर्स। हजारों की तादाद में बोतलें और जार जो हैं वो फेंक दिए जाते हैं हर साल, इस्तेमाल शुदा वेस्ट में फेंक दिए जाते हैं। नाउ पीपल हैव डिस्कवर्ड वेज टू रिसाइकल ग्लास। लेकिन अब लोगों ने दरियाफ्त कर लिया वो तरीके कि ग्लास को दोबारा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, रिसाइकल, दोबारा से उसको प्रोसेस करना। व्हेन ओल्ड ग्लास इज मेल्टेड डाउन, जब पुराना ग्लास पिघलाया जाता है, इट कैन बी मेड इनटू न्यू बॉटल्स, उसकी नई बॉटल्स बनाई जाती हैं, और इनटू बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, या बिल्डिंग मटीरियल के लिए ईंटें बनाई जाती हैं। दीज ग्लास ब्रिक्स आर सॉलिड। ये जो ईंटें होती हैं ग्लास की, ये ठोस होती हैं। डू नॉट लेट लाइट शाइन थ्रू, और ये इनमें से रोशनी का गुजर नहीं होता। दे लुक अलॉट लाइक ऑर्डिनरी क्ले ब्रिक्स, ये आम मट्टी की ईंटों की तरह लगती हैं। ओल्ड ग्लास इज यूज टू पेव रोड्स, जो पुराना ग्लास है वो सड़कों को टाइलें लगाने के लिए यूज किया जाता है। पेवमेंट, टाइलों से जो सड़कें बनाई जाती हैं वहां पे। ग्लास कैन बी ग्राउंड अप एंड मिक्सड विद एसफॉल्ट अ रोड सरफेसिंग मटीरियल। ग्लास जो है उसको ग्राउंड अप, उसको पीसा जाता है और उसको मिक्स किया जाता है एसफॉल्ट के साथ, जो कि सड़क बनाने के लिए एक सरफेसिंग मटेरियल है। ग्राउंड अप ग्लास हैज नो शार्प एजेस, जो पिसा हुआ ग्लास होता है उसके किनारे जो होते हैं वो तेज नहीं होते। वैसे तो आपको पता है ग्लास के तेज धार किनारे होते हैं जो हाथ काट देते हैं। इट मेक्स अ टफ सरफेस, वो एक सख्त सतह बनाता है। दैट इंजीनियर्स थिंग मे लॉस्ट लॉन्गर देन अदर मटीरियल्स, इंजीनियर्स के ख्याल में वो ज्यादा पायदार होता है दूसरे मटीरियल की निस्बत। इन फ्यूचर वी मे ऑल बी ड्राइविंग ऑन ग्लास रोड्स, मुस्तकबिल में हम शायद सभी ग्लास की सड़कों पर सफर कर रहे हों। एंड लिविंग इन हाउसेज मेड ऑफ ग्लास, और हम ऐसे घरों में रह रहे हों जो ग्लास के बने हुए हैं। मैनी अदर यूज विल ऑल्सो बी फाउंड फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग मटीरियल, इस डिजिटल मादे से हम और भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की बना सकते हैं। जैसे ये आपके सामने स्लाइड्स हैं, बल्ब, टेलीस्कोप, फाइबर ऑप्टिक्स, बहुत सारी चीजें इससे बनती हैं। ये वर्ड्स और उनके मुश्किल मीनिंग है। तो प्यारे बच्चों, आप स्कूल आते हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी अपने किरदार की भी मजबूती करें। बी ट्रूथफुल, हमेशा सच बोलें, ज्यादा मुस्कुराएं, कुरान को रोज पढ़ें, एक्सरसाइज करें, फॉलो सुनना। आपको पता है कि एक सुन्नत पे अमल करने का जो है वो अमल 100 शहीदों के सवाब के बराबर मिलता है। एक हदीस में है, हैव अ गुड कैरेक्टर, बी गुड इवन व्हेन नो वन इज लुकिंग। अच्छा किरदार अल्लाह की नजर में सारी रात की इबादत और तमाम दिन के रोजे से बेहतर है, क्योंकि अल्लाह हमें देख रहा है, कोई और देखे ना देखे, मैंने तो अच्छा बनना ही बनना है। मैंने किसी से ज्यादती नहीं करनी, दरगुजर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, दूसरों की इज्जत करनी है। तो प्यारे जब बच्चों, जब रात को सोने लगे तो देखें कि जो बास्केट आपने अगले जहां के लिए तैयार की है, क्या उसमें आपने लोगों से स्माइल के साथ किया, लोगों की हेल्प की, पोलाइट हुए, लोगों को अच्छे काम पे शाबाश दी, अपनी बारी का इंतजार किया, लोगों को सुना, लोगों से शेयर किया, अपने खाना, अपनी सलाहियतें, सब चीजें शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।